हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आरपीएफ की तरफ से रेलवे पुलिस सब इंस्पेक्टर के पदों पर बम्पर भर्ती निकली हुई है दोस्तों। दोस्तों, इसमें 2 स्टार की वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि एसआई की सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली हुई है रेलवे के द्वारा, यानी कि आरपीएफ के तहत ये वैकेंसी मिलती निकलती है, यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स। ठीक है, तो इसमें ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों ही इसके लिए एलिजिबल हैं, दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आवेदन तिथि देखेंगे, एज देखेंगे, योग्यता क्या मांगी गई है, फिजिकल मेडिकल कैसे होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या मांगा गया है, सैलरी आपको क्या मिलेगी और जॉब प्रोफाइल यानी कि काम क्या करना होगा और कहाँ पर काम करना होगा, पूरी ही डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, जो कि मैं भारतीय रेलवे में ऐसा कार्यरत हूँ एज अ सीनियर क्लर्क। ठीक है, तो आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए रेलवे पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसी तरह की मोर गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स के लिए। चलिए, तो ये देखिए, रेलवे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई वैकेंसी 2024 ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल, ये सारी चीज़ों पर हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पोस्ट कौन सी निकली है। तो पोस्ट आपकी जो निकली हुई है, दैट इज आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जो कि आपकी ग्रुप सी की पोस्ट के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो चलिए आपको मैं इसमें दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, आरपीएफ 1/2024। इसमें आपको एसआई के लिए जॉब निकली, देखिए एसआई है जिनको यहाँ पर ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट दे रहा है, इनकी ट्रेनिंग के दौरान परेड वगैरह होती है, जो होती है इस तरीके से इनकी ड्यूटी होती है, ट्रेन्स के अंदर इनकी ड्यूटी होती है, स्टेशन पर जो जो पब्लिक बैठी होती है उनसे जानकारी लेना कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, चेकिंग करना उनकी, इस तरीके से ड्यूटी करना, यहाँ पर जो ट्रेन्स वगैरह जाती हैं उसको देखना, हैंडल करना, इसके अलावा जो ट्रैक्स होते हैं वहाँ पर भी आपकी ड्यूटी लगाई सकती है, या ट्रेन के अंदर यात्रियों से पूछताछ करना, ठीक है ना, कि मतलब सिक्योरिटी के पर्पज़ में, ध्यान रखना टिकट के पर्पज़ में नहीं, सिक्योरिटी के पर्पज़ में, है ना। और आपकी वेरियस और भी जगह यहाँ पर ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के तहत आपकी ये जो एम्प्लॉयमेंट है वो निकला हुआ है। चलिए, ठीक है, तो ये हो गया। पोस्ट कौन सी निकली है मैंने बता दी, आरपीएफ की सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली हुई है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी जॉब है, जो कि लेवल 6 की जॉब है आपकी, समझ रहे हो आप। इसमें जो सैलरी मिलेगी आगे बताऊंगा, बहुत शानदार इसमें सैलरी मिलती है दोस्तों, है ना, और इस पर काम भी आपको बहुत अच्छा अच्छा काम इसको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अप्लाई करने की डेट देख लेते हैं एंड एग्जाम डेट क्या मांगी गई है। तो दोस्तों, अप्लाई करने की जो डेट है, इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना स्टार्ट हुए वो होंगे 15 अप्रैल 2024 से, लास्ट डेट रखी गई है 14 मई 2024। इसकी अगर बात करें कि डेट ऑफ मॉडिफिकेशन क्या रहेगी, अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो 15 मई से लेकर 24 मई के बीच तक आप इसमें करेक्शंस कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं, यानी पद कितने निकले हुए हैं। तो मेल की बात करें, टोटल 384 पद हैं, जिसमें यूआर के लिए 157, एससी के लिए 57, एसटी के लिए 28, ओबीसी के लिए 104, ईडब्ल्यूएस के लिए 38 वैकेंसी निकली है। फीमेल की बात करें तो 68 टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें यूआर की 28 हैं, एससी की 10 हैं, एसटी की 5 हैं, ओबीसी की 18 हैं, ईडब्ल्यूएस की 7 है, और 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए, जो कि 45 हैं, जो कि इन्हीं वैकेंसी में से रिजर्व की जाएंगी। ठीक है, 10%। चलिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, यानी योग्यता क्या होनी चाहिए आपके पास। तो दोस्तों, पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की, लेवल 6 की जॉब है, बेसिक पे आपका रहेगा 35,400, मेडिकल स्टैंडर्ड होगा B1। हम पूरी सैलरी के बारे में अभी डिस्कस में बात करेंगे और मेडिकल के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन आपके पास अगर है किसी भी डिसिप्लिन से, जो कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होती है उससे होना चाहिए, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए, जैसे कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन अगेंस्ट दिस श्रेणी, यानी कि जो आपके जो पास डिग्री है वो 14 मई तक आपके पास ये डिग्री उपस्थित होनी चाहिए, अगर इसके बाद आपके पास डिग्री आती है तो वो मान्य नहीं की जाएगी। ठीक है, कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट और प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, चलिए एज लिमिट की बात कर रहे थे, एज लिमिट क्या मांगी गई है दोस्तों। तो एज लिमिट के लिए थोड़ा जूम कर लेके दिखाता हूँ आपको। एज लिमिट देखिए, वैसे जो नॉर्मली एज मांगी जाती है वो 20 से 25 साल मांगी गई, क्योंकि कोविड-19 का दौर था तो इसलिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, और जो आपकी इस बार जो एज की कैलकुलेशन की जाएगी वो 20 से 28 साल के बीच में आपकी एज कैलकुलेशन की जाने वाली है। कोई भी कैंडिडेट जो 20 से 28 साल का वो इसका फॉर्म भर सकता है। एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का, बाकी अदर्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं।
ठीक है, डेट ऑफ बर्थ किस तरीके से काउंट की जाएगी, तो 20 से 28 साल के बीच होना चाहिए, और यू आर एंड ई डब्ल्यू एस का जो जन्म है वो 2/7/96 से लेकर 1/7/2004 के बीच होना चाहिए, ओबीसी का जन्म 2/7/93 से लेकर 1/7/2004 के बीच, और एस सी एंड एस टी का 2/7/91 से लेकर 1/7/2004 के बीच आपका जो जन्म है वो हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फीस की बात कर लेते हैं, फीस कितनी मांगी गई है दोस्तों। तो फीस की बात करें तो एग्जामिनेशन फीस जो है फॉर ऑल कैंडिडेट उसके लिए मांगी गई, यानी कि यू आर के लिए और ओ बी सी के लिए और ई डब्ल्यू एस के लिए जो फीस यहाँ पर रखी गई है वो रखी गई है 500 रुपये, जिसमें से 400 रुपये आपको बाद में रिफंड कर दिए जाएंगे। रिफंड के लिए आपको ये प्रोसेस करनी होगी, आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको आपका बैंक नेम, अकाउंट नेम, अकाउंट होल्डर का नेम, अकाउंट का नंबर एंड आईएफएससी कोड डालना होगा। और जब आपका जो सीबीटी है, जब सीबीटी में आपका कंप्लीट हो जाता है, पेपर आप दे लेते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद फाइनल जब प्रोसेस हो जाएगी तो आपको 400 रुपये 500 रुपये में से वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, वहीं एस सी एस टी एक्स सर्विसमैन फीमेल या माइनॉरिटीज़ हैं या ई बी सी है, उनको 250 रुपये फीस दी जाएगी और ये 250 रुपये आपके रिफंडेबल होंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, यानी जब हम इसका फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस हमारी होने वाली है। तो सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है, कुछ इस तरीके से आपका कंप्यूटर पर पेपर होगा। उसके बाद क्या होगा, जब आप पेपर को पास कर लेंगे तो आपका दूसरा स्टेज होगा, दैट इज कॉल्ड पीईटी, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, दूसरा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और उसके बाद होगा डीबी आपका। थर्ड स्टेज में आपका मेडिकल होगा एंड फोर्थ स्टेज में आपकी ट्रेनिंग होगी। यहाँ पर मतलब ज्वाइनिंग हो चुकी होगी, आधी ज्वाइनिंग हो चुकी होगी, बट ट्रेनिंग में क्या है, कुछ कैंडिडेट को वो हटा देते हैं, ऐसा नहीं कि 100 में से 90, 50, 40 को हटा देते हैं, 100 में से कुछ 2-4 को ही हटाते हैं, क्योंकि वो उस तरीके से ट्रेनिंग के दौरान जो अनुचित व्यवहार है वो करते हुए पाए जाते हैं, तो इसलिए उनको हटा देते हैं। तो इन चार ट्रेनिंग, जब ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होगी, चार ये प्रोसेस हो जाएंगे, उसके बाद फाइनल आपको ज्वाइनिंग यहाँ पर दे दी जाएगी, परमानेंट आपको एक स्टेशन, एक डिवीजन, एक बोर्ड आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी पूरी प्रोसेस चलने वाली है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रोसेस में क्या क्या लिखा हुआ है, जो मैंने बताया वही है कि सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर आपका डीबी होगा, ठीक है, और इसके बाद फिर आपका मेडिकल वगैरह यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम सिलेबस देख लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके से पैटर्न पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा और डिटेल में सिलेबस क्या रखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी, यहाँ पर पैटर्न जो आपका लेवल रहेगा वो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें पैटर्न एंड सिलेबस जो रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि आपसे टोटल 120 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 90 मिनट आपको यहाँ पर दिया जाएगा, एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होगा, यानी कि 120 आपके क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, जिसमें निगेटिव मार्किंग होगी जो कि 1/3 की होगी, यानी कि 1/3 आपके, यानी एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1/3 नंबर काटा जाएगा। ठीक है, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्योंकि इसका जो एग्जाम है वो मल्टीपल शिफ्ट में होने वाला है। अगर मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें तो यू आर ई डब्ल्यू एस ओ बी सी को 35% और एस सी एस टी को 30% मिनिमम मार्क्स लाना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला देख लेते हैं दोस्तों, सिलेबस क्या रखा गया है सीबीटी के लिए। तो सिलेबस कुछ इस प्रकार है, जिसमें आपके अर्थमेटिक यानी मैथ्स से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका डिटेल सिलेबस ये है, ये टॉपिक पूछे जाएंगे, फिर आपका जीए पूछा जाएगा यानी कि रीजनिंग पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा, जिसमें ये टॉपिक्स हैं, आप इनको देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा तो वहां से आप इसे ले सकते हैं। इसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस से 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके टॉपिक्स कुछ इस प्रकार रखे हुए हैं, जिसमें करंट अफेयर वगैरह, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके वगैरह, कंप्यूटर वगैरह इत्यादि आ जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डिटेल में। ओके, चलिए फिजिकल एंड मेडिकल की बात कर ले, किस तरीके से होने वाला है। तो फिजिकल की बात करें, यानी कि पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी, तो ये किस प्रकार होगा, देखिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सीबीटी, यानी कि जो आपका ऑनलाइन पेपर होगा, जो उसकी आपका परफॉर्मेंस होगी और जो बच्चे उसमें पास होते हैं तो उनको कॉल किया जाएगा पीईटी के लिए एंड पीएमटी के लिए, एंड उसके बाद आपका डीबी होगा, है ना, और ये जो आपके सिलेक्शन होगा वो 10 टाइम्स यहाँ पर बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, 10 गुना जितनी आपकी वैकेंसी उसका 10 गुना बच्चे बुलाए जाने वाले हैं। ठीक है, एक पोस्ट पर 10 बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कि हाउ एवर दे विल बी हैव टू अंडर गो पीएमटी, प्री पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होकर गुजरना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर है कि अगर कोई बच्चा फेल कर जाता है, जैसे मान के चलिए 400 पोस्ट है, अगर उसमें से केवल 50 पोस्ट बाकी रह जाती हैं, यानी कि इन पोस्ट पर बच्चे नहीं मिलते हैं, तो ये फिर सेकंड कट ऑफ को गिरा के सेकंड लिस्ट जारी करेंगे और यहाँ पर भी 10 टाइम बच्चे बुलाएंगे, यानी 500 बच्चों को और कॉल आएगा बाद में अगर वैकेंसी नहीं फुलफिल हो पाती है तो। ठीक है, इसके लिए, और जो आपका पीईटी एंड पीएमटी होगा, इसके कोई भी मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे, ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए कि पीईटी किस तरीके से होगा।
इसमें मील के लिए बात करें तो 1600 मीटर की रनिंग कराई जाएगी, जिसमें 6 मिनट 30 सेकंड में आपको ये रनिंग पूरी करनी है। लॉन्ग जंप 12 फीट रहेगी आपकी, और हाई जंप 3 फीट 9 इंच की रहने वाली है। फीमेल की बात करें तो 800 मीटर की रनिंग होगी, 4 मिनट में करनी होगी। लॉन्ग जंप 9 फीट, हाई जंप 3 फीट की आपकी होने वाली है। बात करें पीएमटी प्री यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या हुआ, तो यूआर एडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो आपका हाइट होनी चाहिए वो 165 मेल के लिए और 157 फीमेल के लिए, एससी एसटी के लिए 160 और 152, अदर्स जो हैं उनके लिए 163 और 155 आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात कर लें तो यहाँ पर देखिए ये केवल मेल्स के लिए होता है, ध्यान रखना फीमेल के लिए चेस्ट नहीं होता है। तो 80 बिना फुलाए और 85 फुलाकर, यहाँ पर 76.2 और 81.2, और यहाँ पर 80 यहाँ पर 85 आपका होना चाहिए सीना। और फिर बता रहा हूँ कि इसके कोई भी नंबर आपको नहीं मिलने वाले, केवल जो आपका सीबीटी हुआ था यानी कि जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ था उसके आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। फिर इसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल जो एग्जामिनेशन रहेगा वो आपका B1 फॉर्मेट में होगा। रेलवे के द्वारा जब मेडिकल लिया जाता है, रेलवे के जगह जगह पर मेडिकल हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, वहाँ पर आपका जो मेडिकल है वो लिया जाता है, जो कि रेलवे के द्वारा ही लिया जाता है, जिसमें A1 कैटेगरी हो गया, A2 कैटेगरी हो गया, B1 कैटेगरी हो गया, है ना, B2 कैटेगरी हो गया, C1 कैटेगरी हो गया, इसके अलावा C2 कैटेगरी हो गया। इस तरीके के जो मेडिकल्स हैं आपके यहाँ पर लिए जाते हैं, ठीक है। मेरा C2 मेडिकल हुआ था, किस तरीके से होता आगे आने वाले वीडियोज में आपको बता दूंगा, और आपका कौन सा हुआ B1 कैटेगरी होगा आपका किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज में बता दूंगा, तो उसके लिए चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेडिकल की बात करें कि आपके पास कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो आपके पास नहीं होनी, मतलब आपके अंदर कौन कौन सी खराबियां नहीं होनी चाहिए। तो देखिए आपके पास पहली बात तो अगर आप ग्लासेस लगाते हैं, चश्मा पहनते हैं तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते, फ्लैट फुट है तो नहीं भर सकते, नॉक नी है तो आप नहीं भर सकते, स्क्विंट आइस है तो नहीं भर सकते, कलर की अगर ब्लाइंडनेस है या अदर बॉडीली इन्फॉर्मेटीज है तो आप इसके लिए नॉट एलिजिबल है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। इसके बाद आपकी फिर ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में जब आपको भेजा जाएगा तो यहाँ पर लिखा है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू गो अंडर गो अ रिगरस इनिशियल ट्रेनिंग, यानी कठोर आपकी ट्रेनिंग होगी स्टार्टिंग में, इन एनी वन ऑफ द RPF या RPFS ट्रेनिंग सेंटर ऑफ एनी अदर सच इंस्टीट्यूशन एज डिसाइडेड बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। पासिंग द फाइनल एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग इज अ मस्ट फॉर अपॉइंटेड टू द पोस्ट। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो उसके बाद आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी, ठीक है। बात कर लेते हैं सैलरी आपको क्या मिलने वाली है दोस्तों, तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, लेवल 6 की जॉब है, और 35,400 आपका बेसिक रहने वाला है। देखिए ये आपका होगा बेसिक पे, ये बेसिक पे कितना होगा 35,400, और अभी DA कितना हो गया 50% हो गया, तो फिर आपको DA मिलेगा 50%, तो इसका 50% निकालेंगे तो 17,750 है ना, 17,700 रुपये इसका DA मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये होगा ना 17,700, ठीक है, डबल करेंगे तो 3400, ये 1400, ठीक है। इसके बाद फिर आपका मिलता है एक TA मिलता है जो कि कुछ 3600 रुपये रहता है ना, ये अलग अलग सिटीज़ वाइज अलग अलग रहता है, तो हम यहाँ पर 3600 मान लेते हैं, ठीक है, 3600 रुपये आपको ये मिलेगा, ठीक है। आपको बेसिक पे हो गया, डी हो गया, इसके बाद हो गया आपका पी हो गया, ठीक है। फिर आपको HRA मिलेगा, जो कि HRA आपका होता है, ठीक है, अलग अलग सिटी में होता है, ये होता है 10, 20 और 30%, ठीक है। चलिए तो हम अगर बाय सिटी को लेकर चलें, ये तीन तरीके की सिटी होती है, सॉरी ये X होगी, ये बाय और ये जेड होगी, जेड में सबसे कम होता है, तो अगर हम बाय सिटी को 20% लेके चलें तो इसका 20% आपको निकलना पड़ेगा, यानी 35,400 का कितना हो जाएगा 35,40 और लगभग कितना हो जाएगा आपका 7,080 रुपये, ठीक, 7,080 रुपये आपका क्या हुआ HRA हुआ, ये टोटल आपका जुड़ जाएगा और टोटल आपको मिलेगा। इसके अलावा भी कुछ अदर अलाउंस मिलते हैं, ठीक है, वो बाद में, पर ये मोटा मोटा जो मैंने बता दी वो है, ठीक है। तो ये कितनी सैलरी बन जाएगी आपकी 4, 6, 10, 17 से लाइए 1, 7, 5, 12, 13, 3, 16, 7 आपका हो गया 23, 23 के आगे 3 हासिल है, 2, 3, 1, 4 और 5, 6, तो आप देख सकते हैं इतनी आपको जो सैलरी है वो जो बाई सिटी है उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। अगर ये जेड सिटी में होगा तो आपकी सैलरी कम से कम इतनी होगी, ठीक है, 59 से 60 के बीच होगी, और अगर एक्स सिटी में चले जाते हैं तो ये सैलरी 66 से 68 के अराउंड रहने वाली है, ठीक है। इतनी सैलरी आपको मिलेगी अलग अलग सिटी के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया, ठीक है। ये है बाई सिटी की, ये है आपकी जेड सिटी की, ये है आपकी एक्स सिटी की, ठीक है, ये सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ओके। चलिए बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल एंड जॉब लोकेशंस की, अभी तो आपको RRB की जो वेबसाइट्स हैं, टोटल इतने सारे बोर्ड्स हैं आपके RRBs के, इन बोर्ड्स के द्वारा इसमें इसके अंतर्गत जोन आते हैं, जोन के अंतर्गत आते हैं डिविजन्स वगैरह, उसके अंदर रेलवे स्टेशन वगैरह आते हैं, तो उन वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर जैसे अगर आप अहमदाबाद RRB बोर्ड के द्वारा चुने जाते हैं तो यहाँ पर आपको अहमदाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, है ना, चेन्नई हो गया, मुजफ्फर पुर हो गया, अजमेर हो गया, गोरखपुर हो गया, पटना हो गया, बेंगलुरु हो गया, गुवाहाटी हो गया, प्रयागराज हो गया, है ना, इसके अलावा भोपाल हो गया, जम्मू, श्रीनगर, रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिकंदराबाद, बिलासपुर, मालदा,
इसके अलावा सिलीगुड़ी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, मुंबई हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, इस बार जोन वाइज वैकेंसी नहीं फिल कराइए, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको जोन यहाँ पर चूज करने को दिया जाएगा कि आपको किस जोन के द्वारा अंदर भरना है, या वो खुद अपनी तरफ से आपको जोन प्रोवाइड करने वाले हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपको प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए, कट ऑफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर डाल दूंगा, कट ऑफ के लिए जल्दी ही आपको एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का नाम ये है, दोनों टेलीग्राम है, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अगर RPF, SI और कॉन्स्टेबल के लिए GK की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो सेकंड चैनल है उसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसके प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए या मॉक टेस्ट चाहिए तो आप टेस्ट बुक से ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए RPF, SI के मॉक टेस्ट सीरीज है, जिसमें 2024 के कुल आपको कितने 668 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जिसमें 267 चैप्टर टेस्ट हैं, 30 सेक्शनल टेस्ट और 31 फुल टेस्ट आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसको देखिए, इसका ईयरली पास है ₹377 का, इसमें इतने सारे जो कंटेंट आपको मिलता है। अगर आपको परचेस करना है तो आप मेरा ये वाला कूपन कोड BYNW47 डाल देंगे तो आपको इस पर डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ठीक है, और इसके अलावा आपकी कॉन्स्टेबल की भर्ती भी निकली थी तो वो वीडियो मैंने बना दिया, अगर नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, GK की तैयारी के लिए इस वाले चैनल को फॉलो कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।